तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम तो यूज करते होंगे, तो कुछ दिनों से काफी सारे अकाउंट पे इंस्टाग्राम हाईलाइट और इंस्टाग्राम आर्काइव का ऑप्शन नहीं दिख रहा, जिसके वजह से आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी जो है सेव नहीं कर पाते और आपके हाईलाइट पे जो भी आपके प्रोफाइल पे हाईलाइट का ऑप्शन है वहां पर ऐड नहीं कर पाते। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर आपको ये सेम वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा किस तरह से पा सकते हैं और हाईलाइट और आर्काइव का ऑप्शन आप किस तरह से ऑन कर सकते हो, ये सब कुछ इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगी और एक भी फेक वीडियो चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर जाकर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों साइड में स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन को आपको फॉलो करना है, जैसे स्टेप बताऊंगा उस तरीके से स्टेप करने तो आप ये ऑप्शन ऑन कर पाओगे। दोस्तों पहले तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम से ही आपको समझाने वाला हूँ सब कुछ। तो दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ चुका हूँ, देख सकते हो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और यहीं अब हाईलाइट के अंदर मैं जाकर आपको ये सब कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले वाली ये वाली स्टोरी देखिए, आज 7 hours हो गई इसको डाल के। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो डिलीट, आर्काइव, सेव और हाईलाइट, इस तरीके से ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब हाईलाइट का ऑप्शन यहाँ पर है और इस तरीके से मैं अपने कौन से भी हाईलाइट में इसको ऐड कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद दोस्तों मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टोरी पर और यहाँ पर भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी मैंने लगाई, ये भी 7 घंटे हो गए। अब मैं मोर पे जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आर्काइव का ऑप्शन है लेकिन हाईलाइट का ऑप्शन आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप जो भी वीडियोज है वो आप नहीं डाल सकते आपके हाईलाइट्स में, जो भी आपके प्रोफाइल पर यहाँ पर हाईलाइट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे मेरे हाईलाइट्स है तो इसमें आप नहीं डाल सकते। उसी तरीके से और भी नेक्स्ट, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक स्टोरी लगाई, यहाँ पर भी आपको हाईलाइट का ऑप्शन नहीं दिख रहा। दोस्तों आपके सामने इस हाईलाइट ऑप्शन को मैं ऑन करके दिखाऊंगा, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना है जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं अपने होम पेज पे आ चुका हूँ, आपके प्रोफाइल पर आना है। यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल देखने को मिलेगी, इस पर एक बार आ जा रहा है, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आना है आपको, आर्काइव बोल के आपको एक ऑप्शन दिखाएगा जो सेव के नीचे है, सेम आप देख सकते हो, इस पर ओके करना है तो यहाँ पर पूरे आपकी गैलरी आ जाएगी, जो भी आर्काइव अपने जितने भी सारे स्टोरियाँ इंस्टाग्राम पे लगाई ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टोरियाँ दिखाई नहीं दे रही या कुछ दिनों से गैप है जब से आपका आर्काइव ऑप्शन ऑफ हो चुका है तो वो दिखाई नहीं देगी, और जहाँ से आप अगर देख सकते हो इसके ये फोटो वाली पे मेरा आर्काइव का ऑप्शन है तो ये फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है, बाकी के जो आगे वाली और पीछे वाली स्टोरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। आप देख सकते हो इसके आगे भी मैंने 2 स्टोरियाँ डाली है जो कि एक बर्थडे की स्टोरी है, तो वो वाली भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उस पर आर्काइव का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए अब मैं ऑन करके दिखाऊंगा और यहाँ पर स्टोरी ऐड करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव टू स्टोरी आर्काइव इसको ऑन करना है। यही सिंपल ट्रिक है, यह है जो ये वाला ऑप्शन है उसके लिए। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया, उसके बाद मैं गया स्टोरी पे, तो यहाँ पर तो हाईलाइट का ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट गया, यहाँ पर आप देख सकते हो हाईलाइट का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद फिर से इस फोटो पर दिखाता हूँ, मैं हाईलाइट का ऑप्शन आ चुका है जो कि मैं ऐड भी कर सकता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों और एक मैंने स्टोरी डाली, इस पर भी हाईलाइट का ऑप्शन है। तो दोस्तों आपके सामने मैंने इंस्टाग्राम आर्काइव ऑप्शन हाईलाइट का ऑप्शन ऑन करके दिखाया इंस्टाग्राम स्टोरी पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प हुई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे और एक भी फेक वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड और भी काफी सारे प्रॉब्लम आपके पास हो सकते हैं, कोई भी आपको सोशल मीडिया या एप्लीकेशन का एडिटिंग का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर आपको आगे वीडियोज देखने को मिलेंगे या कमेंट ही पर ही आपको कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।